Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English class. Today we will start chapter number 4, drought. Drought ka matlab hota hai sukha, theek hai? Written by Sarat Chandra Chatterjee, theek hai? Sarat Chandra Chatterjee ka likha hua chapter hai. Bahut hi ek tarike se aisi kahani hai iski jo ek typical Indian jo poor log hote hain. ठीक है, गरीबों के बारे में, उसके बारे में बताई गई है. स्पेशली राजस्थान को फोकस, राजस्थान जैसे जो है स्टेट्स को फोकस करा गया है, क्योंकि ड्रॉट सूखा जो होता है बेटा, ज़्यादातर जो है राजस्थान के कई हिस्सों में जो है सूखा पड़ता रहता है. तो इसकी वजह से जो किसान वगैरह जो होते हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, उनके पर क्या असर पड़ता है, किस मुश्किल से वो गुजरते हैं, एक इसी तरीके की स्टोरी इसमें बताई गई है. इसमें जो मेन जो स्टोरी का जो हीरो है, जो मेन जो नायक है, इसमें जो मेन करेक्टर स्किट्स है इसका, वो है मेन जो करेक्टर है इस स्टोरी में, वो है गफूर, जो कि एक वीवर होता है, जुलाहा जिसे बोलते हैं. ठीक है, एक वीवर होता है जो कि ड्रॉट के कारण, सूखे के कारण जो है उसका, उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है खाने को. और उसका एक बैल होता है महेश, जिसे वो बहुत प्यार करता था. ठीक है, लेकिन महेश के पास को भी उसके पास में खिलाने के लिए कुछ नहीं था. ठीक है, और उसकी बेटी अमीना. तो अमीना, महेश और गफूर ड्रॉट के कारण किन किन सर्कमस्टेंसेस से, किन किन सिचुएशन से, परिस्थितियों से गुजरते हैं, उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है. आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपकी स्टोरी आपके सामने आएगी कि किस तरीके से वो अपना गुस्सा महेश पर निकालता है, अपने बैल पर, जो वो बैल जो उसे बहुत प्यारा होता है. ठीक है, तो उसी के बारे में है ये. आपको मैं इसकी अबाउट द लेसन बताती हूँ. ठीक है, देखो ये रहा. अबाउट द स्टोरी, इन ड्रॉट द राइटर हैज़ ड्रॉन अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्रॉट. ये जो कहानी है इसमें जो है बहुत ही ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब बहुत ही सजीव चित्रण करा है सूखे का. ड्रॉट टेक्स द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलेमिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन राजस्थान फ्रीक्वेंटली. ड्रॉट जो, सूखा जो है एक नेचुरल कैलेमिटी, लैंड नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा का रूप है, जो कि भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलता है, और लेकिन राजस्थान में तो लगातार आता रहता है. इन द प्रेजेंट स्टोरी गफूर द मेन कैरेक्टर इज अंडर स्ट्रेस. ये जो कहानी है इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो चरित्र है मुख्य, वो बहुत ही अंडर स्ट्रेस है, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में है. द राइटर हैज सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर अंडर स्ट्रेस. तो यहाँ पर राइटर ने बहुत ही एक सोशल, एक सामाजिक और एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में बताया है, ह्यूमन नेचर के बारे में. ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग देखो, रूथलेस, मर्सीलेस, निर्दयी जिसे बोलते हैं. पैच, पैच का मतलब टुकड़ा. परमानेंट, आसमान. फिशर, दरारें. अनसीजिंगली, लगातार. साइनस, लहराती हुई, विंडिंग, लहराती हुई. क्रिम्सन, गहरा लाल रंग. ठीक है, इंडिग्नेशन, गुस्सा. इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब अर्थ है यहाँ पर. ठीक है, फ्ले, फ्ले का मतलब है चमड़ी निकालना, चमड़ी बाहर निकालना. थ्रैश, थ्रैश का मतलब है जो जो फसल होती है उसमें से अनाज को निकालना. सिंडर्स, सिंडर्स जो होती है पार्शली बर्नट वुड, मतलब कि कोयला. मंच, चबाना. कैलस, निर्दयी, जिसमें कोई भावनाएं नहीं होती. ठीक है, डोमेन, साम्राज्य. अब हम स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ से. द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर. अब जो गांव का नाम था वो था काशीपुर. इट वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था. इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, और उसका जमींदार इस गांव से भी छोटा था. येट हिट्स टेनेंट्स नॉट डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम. फिर भी जो उसके किराएदार, जो काश्तकार थे, ठीक है, उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे. ठीक है, कि गांव का नाम काशीपुर था, गांव बहुत छोटा सा गांव था, उसका ज़मींदार उससे भी छोटा था, लेकिन फिर भी जो उस पर, उसके नीचे जो काम करते थे, टेनेंट्स का मतलब किराएदार, काश्तकार जो काम करते थे, वो उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं करते थे. ही वॉज सो रूथलेस, वो बहुत ही रूथलेस, रूथलेस का मैंने मतलब बताया निर्दयी था. इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगस्ट सन. जमींदार के सबसे
छोटे बेटे का जन्मदिन था। इट वॉज नून, दोपहर का टाइम था। तारक रत्न द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस। तारक रत्न जो पुजारी है वो जमींदार के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पर कि प्रार्थना करके और वो सामान वगैरह, पूजा का सामान वगैरह लेकर आया था। इट वॉज नियरली द एंड ऑफ मे, अब जो समय था वो तकरीबन जो है समय जो था वो मई के एंड का था, मई के अंत का समय था। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन आसमान में बादल का कोई टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा था। द रेनलेस परमानेंट पॉट फायर, अब ये बारिश रहित आसमान, परमानेंट का मतलब आसमान जो है वो आग बरस रहा था। तो अब बताया गया है कि काम का नाम काशीपुर था, ठीक है, जमींदार के सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। ताराकरण जो पुजारी है वो पूजा पाठ कर कर और अपने घर जा रहा था जमींदार के घर से, ठीक है, उसके हाथ में प्रसाद वगैरह ऑफरिंग्स वगैरह थी, ठीक है। अब मई का समय था, मई के एंड का टाइम था, लेकिन फिर भी आसमान में बादल का कोई टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, ऐसा लग रहा था आसमान में आग बरस रही है। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, अब सामने जो फील्ड थे, जो खेत थे, जो कि दूर स्ट्रेचिंग फैले हुए थे हॉरिजन क्षितिज तक, हैड ब्रोकन अप इन टू द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज। अब ये जो खेत थे इनमें ऐसा लग रहा था कि जैसे तपती हुई आग के कारण फिशर्स का मतलब दरारें पड़ गई हो। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज अ स्मोक, और ऐसे लग रहा था कि ये लाइफ ब्लड ऑफ मदर, ये जो रक्त है, जिंदगी के रक्त जो हमारी पृथ्वी माँ है, ठीक है, उसमें से लगातार अनसीजिंगली मतलब लगातार एक धुआं निकल रहा है, मतलब कि कोई भी एकदम चारों तरफ जो है धूप ही धूप, जो है आग ही आग बरस रही थी। आग आग बरसने का मतलब होता है बेटा कि कोई भी जो है ठंडक थी नहीं, बारिश थी नहीं, ठीक है, तो गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि धुआं निकल रहा हो। इफ़ वन गेज लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, अगर लगातार इसको कोई देखता रहे, आसमान को, खेतों को, आसमान को कोई देखता रहे, फ्लेम लाइक सिनेस मूवमेंट, तो ऐसा लग रहा था कि आग लहराती हुई निकल रही है। इट लेफ्ट हिम एट इट वर डेज्ड विद ड्रंकनेस, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नशे में चूर है। तो इसमें मतलब यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर बताया गया है, गर्मी की वजह से, भरा बारिश की वजह से जो है कैसा एटमॉस्फेयर था। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, अब वहीं पर खेतों के अंत में रोड के बगल में गफूर का घर था, वीवर गफूर जो कि एक जुलाहा था उसका घर था। नाउ डैट द मड वॉल्स वर इन रुइंस, अब जो उसकी मड वॉल्स थी, मड वॉल्स का मतलब जो उसकी मिट्टी की दीवारें थी वो रुइंस हो गई थी, मतलब कि ढह गई थी, टूट गई थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, घर का आंगन जो है वो भी पब्लिक हाईवे को छू रहा था, मतलब कि बिल्कुल कोई उसके पर बाउंड्री वगैरह थी नहीं, ठीक है, टूट चुकी थी सारी बाउंड्री। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और घर की अंदरूनी जो प्राइवेसी थी वो भी राहगीरों की दया के ऊपर फेंकी हुई थी, मतलब कि कुछ भी उसके घर में जो है बाउंड्री वगैरह नहीं थी, सड़क और घर का आंगन एक हो रखा था। हे गफूर इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, अब रोड के बगल में एक पेड़ के नीचे तारक रत्न खड़ा हो जाता है और वहां से खड़ा खड़ा आवाज लगाता है कि हे गफूर क्या कोई अंदर है। वट डू यू वॉन्ट, फादर इज डाउन विद फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एजेड 10 अपीयरिंग एट द डोर, अब गफूर की एक छोटी बेटी थी 10 साल की, वो दरवाजे के पास में दरवाजे की तरफ आकर बोलती है कि आपको क्या चाहिए, फादर के तो बुखार हो रखा है। फीवर, कॉल द स्क्राउंडल, तारक रत्न शाउटेड, अब तारक रत्न जोर से चिल्लाता है कि बुखार हो रखा है, बुखार हो रखा है, बुलाओ उस बदमाश को। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, अब शोर इतना तेज था कि गफूर बाहर आ जाता है शिवरिंग विथ फीवर और बुखार से कांप रहा था। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड असेशिया दैट लीड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, अब जो बैल है, मैंने आपको बताया ना कि उसका एक जो है बैल था, तो उसका जो बैल है वो जो है बाहर जो है एक एसिशिया का जो पेड़ होता है बेटा वो बबूल का पेड़ होता है, ठीक है, तो
इस एशिया का जो पेड़ था, बबुल के पेड़ से जो है उसने अपने, उसको एक पुराना सा जो है बबुल का पेड़ था उससे उसने अपने बैल को बांध रखा था। वट डू आई सी दियर, डिमांडेड तारक रत्न, इंडिकेटिंग द बुल। अब जो है बुल की तरफ इशारा करके देख कहता है, उस बैल की तरफ इशारा कर कर, और तारक रत्न कहता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज दैट लैंड लॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस। क्या तुम्हें महसूस, ये बात पता नहीं है कि जमींदार इन सबको सहन नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन। अब तारक रत्न का चेहरा बिल्कुल क्रिम्सन हो जाता है, लाल हो जाता है, इंडिग्नेशन मतलब गुस्से से। एंड द हीट ऑफ द सन, एक तो गुस्से से लाल हो जाता है और एक जो है बाहर धूप की वजह से लाल हो जाता है। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श। इस बात की उम्मीद करी जा सकती थी कि उसके शब्द बड़े ही जो है कठोर थे तारक रत्न के। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड। लेकिन गफूर बिल्कुल साधारण तरीके से तारक रत्न को देखता है, वो उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रहा था कि उसके कहने का क्या मतलब है, क्योंकि उसने बैल की तरफ इशारा करके कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है, ये तारक जो जमींदार है इन सबको जो है सहन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब उसके वो उसको क्या कहना चाहता था तारक रत्न, ठीक है, उसकी बातों को जो है वो समझ नहीं पाया। ठीक है, उसके शब्दों को जो है वो समझ नहीं पाया। वेल सेड तारक रत्न, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर। अब तारक रत्न कहता है कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये सुबह भी यही बंधा हुआ था बैल और अभी भी वही बंधा हुआ है। इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। अगर ये बैल मर गया तो मालिक तुम्हें जिंदा ही, तुम्हारी फ्ले का मतलब होता है चमड़ी निकालना, तो मालिक तुम्हारी जिंदा की चमड़ी निकाल देगा। वट शैल आई डू फादर, बोले अब वो कहता है कि फादर गुरुजी मैं क्या करूँ। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ। आई हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेस, मैं इसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मेरी हालत जो है बहुत ख़राब है। कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ, तो बोले तुम इसे खुद चढ़ने के लिए छोड़ दो, अगर तुम इसे बाहर नहीं ले जा सकते चराने के लिए तो तुम खुद इसे चढ़ने के लिए छोड़ दो। वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं इसे चढ़ने के लिए कहाँ छोड़ दूँ। पीपल हैव नॉट थ्रेश देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपना धान जो है वो नहीं निकाला है, अभी तक भी फसल निकाली नहीं है। इट स्टिल लाइंग इन द फील्ड, अभी भी उनकी फसल खेतों में ही है। द स्ट्रॉ हैज नॉट बीन गैदर्ड, ठीक है कि अभी जो है स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ था ना भूसा, उसको समेटा नहीं गया है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, सब कुछ जलकर कोयला हो रहा है। देयर इज नॉट ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पर भी घास का कोई तिनका भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं इसे कैसे खुला छोड़ दूं फादर गुरुजी। ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, अगर मैंने इसे खुला छोड़ दिया तो ये दूसरों के खेतों में घुस जाएगा, किसी की फसल खराब कर देगा, किसी का जो है फसल खा जाएगा। तारक रत्न सॉफ्टन्स अ लिटिल, अब तारक रत्न थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, मतलब कम से कम तुम इसे छाया में तो बांध सकते हो, ठीक है, और यह चबाने के लिए तुम इसे स्ट्रॉ जो होती है जो घास वो तो दे सकते हो। हैज नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं बनाए हैं। वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुम इसे उबले हुए चावल का पानी क्यों नहीं पिला देते। लेट हिम ड्रिंक इट, वही से पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, अब गफूर कोई भी जवाब नहीं देता है। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वो बड़ा ही लाचार होकर तारक रत्न की तरफ देखता है। एंड अ डीप साइन एस्केम्ड हिम, और एक गहरी आह भरता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम जो है वो कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रीड करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना।